श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये है मंदिर, यहाँ हम आ गए हैं। यहाँ की आप लोग को बताते हैं क्या यहाँ का रिवाज मतलब है या फिर क्या मतलब है यहाँ पर। तो ये हैं खांखीवीर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर शिवलिंग भी है और शनिदेव भी हैं, और इधर वो लोग बैठी हैं जो पूजा का सामान बेचती हैं, प्रसाद फूल अगरबत्ती सब कुछ। और इधर हो रहे हैं सत्यनारायण भगवान की कथा भी। तो आप लोग देखिए और इंजॉय कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आप लोग को सब कुछ दिखाएंगे। तो ये है कुछ इस तरीके से, ऊपर ये पीपल का पेड़ भी है जिसको हम लोग के यहाँ ब्रह्म भगवान भी कहा जाता है। और इधर है जो बेचती हैं, उनका भी थोड़ा सा हमने रिकॉर्ड कर लिया था, उनका फेस भी आ गया था। तो उन्होंने बोला मेरा फेस मत दिखाना, तो उसको हम कट कर दिए हैं। और इधर ये एक बाबा हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, जो प्रसाद रहता है ना वहाँ का, वो मतलब ये भोग लगाने के बाद उसके बाद उठा लेते हैं, हम लोग लगाते हैं थोड़ी देर बाद ही उठा लेते हैं, फिर ले आए हैं। ऊपर ये हैं हमारे खांखीवीर बाबा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं और मतलब मनोकामना भी पूर्ण होती है। और ये है घंटी जो कि पीपल के पेड़ पर लगी हुई है। और इधर मतलब ढेर सारे खांखीवीर बाबा स्थापित हुए हैं, क्योंकि जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो स्थापित करते हैं। इधर हैं लक्ष्मी गणेश जी भी हैं। और ये है चारों तरफ हम आपको, ये दान पेटी है। और इधर हम चारों तरफ आप लोग को दिखाएंगे कि देखिए खांखीवीर बाबा स्थापित हुए हैं। खड़ाऊ भी चढ़ता है भगवान को, खांखीवीर बाबा बोलते हैं सब इनको, हम तो भगवान ही बोलते हैं। इधर देख लीजिए ऐसे कुछ लुक है, और इस तरीके से धागा भी बांधा जाता है। धागा का मुझे नहीं पता है क्या होता है। और स्थापित हुए हैं, फिर इधर आ गए हैं आप लोग को शिव मंदिर में लेके, बगल में ही शिव मंदिर भी है। तो इधर महिलाएं और एक लड़की पूजा कर रही हैं जो कि हम रिकॉर्ड कर लिए हैं। ये मेरे शंकर भगवान हैं, अभी अंदर से आप लोग को दिखाते हैं। ये इधर मतलब वैसे फ़ोटो लगी हुई है सारे भगवान की, और मतलब सारी फैमिली है उनकी। और इस घड़े में जल डाला जाता है, उसके बाद पानी बूंद बूंद शिवलिंग पर टपकता है। और इधर घंटा भी है, तो हमने घंटा बजा भी दिया। और ये बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता रहता है। और इधर एक चीज़ नहीं है, नंदी बाबा नहीं है। नंदी बाबा शिवलिंग में तो इनके पूरे परिवार हैं, लेकिन नंदी बाबा वैसे रियल में नहीं है। और इधर दीपक जलाया गया है जिसमें काली तिल भी है। तो ये था शिवलिंग मतलब जहाँ पे है वहाँ का मंदिर। अब आप लोग को ले चलते हैं बाहर। और यहाँ पे खाना का भी प्रोग्राम था, क्योंकि मेरी एक भाभी हैं रूम में रहती हैं, उन्होंने किया था। तो यहाँ पे सब लोग बनके पूरी भी छान रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए, इंजॉय करिए, आगे तक वीडियो में बने रहिएगा। और जानते हैं अगर देवस्थान का कोई भी खाना रहता है, लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ता, लेकिन इतना सुंदर बनता, टेस्टी बनता है, क्या बताएं। और इधर है मेरी शीतला माता जो कि इनका भी यहाँ पे पूजा हुआ है। और किनारे किनारे फूल बहुत ढेर सारे लगे थे, लेकिन अब तो शायद कट गए हैं। चलिए अब इंतजार की घड़ी हुई ख़त्म, और आ गए हैं शनि बाबा के दर्शन कराने। तो ये हैं हमारे शनि देव महाराज जी, जो कि जिसके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं फिर समझ लो उनका कोई नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि इनको शनिचर सवार हो गया है, तो वैसे समझ लीजिए इनको खुश करना बहुत ज़रूरी है। तो इधर एक आंटी थी, वो जल चढ़ा रही थी, फिर शंकर शिव शनिदेव का दर्शन कराने के बाद इधर आ गए। हम आपको कथा का थोड़ा दिखा दे रहे हैं, इधर कथा हो रहा था। इधर हम लास्ट में अपना वीडियो थोड़ा सा बना लिए थे, क्योंकि हम पूजा करते समय वीडियो नहीं बनाए थे। इधर हमारे शंकर भगवान का हम पैर रख रहे हैं, और इधर शनिदेव का भी छोटा सा क्लिप ऐड कर दिए हैं। और सब लोग कहते हैं शिवलिंग के ऊपर हाथ रखने से कुछ भी मांगो तो पूरा होता है, तो वही मैंने भी किया था, लेकिन तो मैंने वीडियो में दिखाया था, कर मैंने पहले ही लिया था। तो आप लोग इन्जॉय करिए, और लास्ट में हमारे शनिदेव भी अभी आएंगे, जो कि हमारे ऊपर बहुत खुश हैं। तो कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड था, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।